इरेलीवेंट लोग हो चुके हैं जिनकी कोई अब हैसियत नहीं है, माजरत के साथ जी। यानी आप पे मुकदमा चलते रहे, आप पेशियां होती रही, आप ताजिकिस्तान के दौरे पे हैं तो वहां से अदालत की पेशी पड़ गई। यानी आप इस मुल्क में वो कहते हैं ना, वो गोंद लगा के उस समझ बॉन्ड के साथ कुर्सियों के साथ बांध दिया लोगों को, और वो लोग हिलने को तैयार नहीं है। मतलब या तो कुर्सियों समेत अभी वो नवाब लगारी निंजा टर्टल्स के कब्जे से रिहा के घर पहुंच गई, उनकी याददाश्त खो चुकी है। तो याद नहीं आ रहा उनको क्या था, कौन हूं मैं, क्या हूं, क्या। अच्छा वो घर पहुंच गया आराम से, वो चुप करके। अब ये देखें, बात ये है कि रियासत के जो मामलात हैं, ये जो आज जो भी कुछ हुआ है लाहौर में, 26-27 जाने चली गई, पुलिस अहलकार थे, शहरी थे, आम लोग थे सारे, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इसका सवाल किससे पूछूं? मैं इसका सवाल इरेलीवेंट वजीर आजम से पूछूं, इरेलीवेंट वजीर दाखिला से पूछूं? वजीर आजम हाउस ने मेरा ख्याल से पता नहीं ताज्जुब के बयान आया कि नहीं, बयान देना भी भूल गए हैं शायद। नहीं डॉक्टर साहब, बयान आया होगा, बयान अच्छा मजम्मत की है, मजम्मत की है, दुख का इजहार किए, कुछ किया होगा। अच्छा इरेलीवेंट बयान है ना, वो बयान भी इरेलीवेंट है। अच्छा उसके बाद बात यह है कि ये अब या मैं आईएसपीआर से पूछूं, मैं आईएसपीआर से पूछूं, किससे पूछूं? देखे ना, या मैं अदालत से पूछूं, मैं आम पाकिस्तान में किससे पूछूं? मैं जनरल बाजवा से पूछूं, मैं वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से पूछूं, मैं चौधरी साहब से पूछूं, मैं DGISI से पूछूं, मैं किससे पूछूं कि ये जो रौला रप्पा पड़ा हुआ है इस रियासत में? आपको सिर्फ एक बात बताऊं, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, देखिए ये फैसला इरेलीवेंट ना हो जाए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि फैसला इरेलीवेंट ना हो जाए, क्योंकि रियासत है, रियासत जो है वो क्या एक महफूज फैसले या दो महफूज फैसलों या चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस या राणा सनाउल्ला क्या फूल झाड़ रहे हैं मुंह से, उसकी यरगमाल बन चुकी है?